नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। एक बार फिर सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। वायरल वीडियो पर सियासी तकरार। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पैरोडी वीडियो की एंट्री हो गई है। इस बार यह वीडियो कमलनाथ पर बना है। 1 मिनट के फिल्मी वीडियो में हीरो के मुंह पर कमलनाथ का मुखौटा लगाया गया है। यह वीडियो कहता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज के जंगल राज से छुटकारा दिलाने के लिए आ रहे हैं कमलनाथ। कांग्रेस नेता मशीन गन लोड करते हैं और मध्य प्रदेश की कथित समस्याओं को उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो मध्य प्रदेश में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी पैरोडी वीडियो की एंट्री मध्य प्रदेश की राजनीति में हो गई है। एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हीरो बताया गया। इस वीडियो को कांग्रेस के नेता बड़े जोर शोर से शेयर भी कर रहे हैं। हीरो को पुलिस की जीपों को मशीन गन से उड़ाते दिखाया गया। जीपों पर महिला अपराध, बाल अपराध जैसी समस्याओं का जिक्र है। इस वीडियो के जरिए कहा गया है कि कमलनाथ 2023 में रिटर्न होने वाले हैं, यानी फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले हैं। कमलनाथ के वीडियो को लेकर कांग्रेस ने कहा कि वर्ष 2023 में ये वीडियो कमलनाथ की वापसी का संकेत है। शायद यही वजह है कि वीडियो जारी होने के बाद बीजेपी के अधिकांश नेता अभी से विचलित हो गए हैं। कमलनाथ के काल्पनिक सशस्त्र चलाने को लेकर कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि कमलनाथ सशस्त्र चलाने में विश्वास नहीं रखते। कमलनाथ केवल गांधीवादी और कानूनी सशस्त्र चलाने में माहिर है। 15 महीने के अपने कार्यकाल में कमलनाथ ने इसे साबित करके दिखाया भी है। और वीडियो इस बात का संकेत है कि 2023 में माननीय कमलनाथ जी की वापसी हो रही है और एक विजन वाले नेता के रूप में वो इस प्रदेश के विकास और प्रगति की एक नई गाथा लिखेंगे। और जहां तक उनके काल्पनिक शस्त्र चलाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता एकाएक विचलित हुए हैं, वो पीड़ा इस बात का संकेत है कि उनमें घबराहट है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि कमलनाथ जी हिंसक प्रवृत्ति में विश्वास नहीं रखते हैं, मगर उनकी गांधीवादी गन जो उस वीडियो में दिखाई गई है। कमलनाथ के वीडियो पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि क्या उन्हें यहां अफगानिस्तान दिख रहा है? जो वीडियो जारी किया गया है उसमें वे गन लोड कर रहे हैं। क्या भारत का समाज ऐसा है? देश के अंदर क्या राजनीति में गन की जरूरत है? जो वीडियो जारी किया है उन्हें उसे देखना चाहिए। प्रेम भाव के साथ आइए, समाज में पहुंचिए, जनता से मिलिए, पर ये तो गन लोड कर रहे हैं। ये गांधी जी का देश है। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी किस पर गोली चला रहे हैं ये स्पष्ट कर दे। वो ये स्पष्ट करे कि ऐसी मारधाड़, रहस्य रोमांच उससे वीडियो जारी कर रहे हैं, सेवा के भी वीडियो जारी करें। कोविड काल में सेवा करते हुए वीडियो दिखा दे। क्या उनको अफगानिस्तान दिख रहा है क्या? ये जिस प्रकार का वीडियो उन्होंने जारी किया है, वो लोड कर रहे हैं और गन ये क्या है? ये मतलब ये देश के अंदर राजनीति में गनों की जरूरत है? जिस प्रकार का वीडियो जारी किया है जरा देखना चाहिए उसको। समाज क्या भारत का समाज ऐसा है? अरे ये गांधी जी का देश है। सुभाष चंद्र बोस ने भी लड़ाई की, चंद्रशेखर आजाद ने भी की, लेकिन भैया इस देश के अंदर जो देश का जनमानस है, अरे प्रेम और भाव के साथ आइए, समाज में पहुंचिए, जनता से मिलिए। ये गने और पता नहीं क्या क्या लोड कर रहे हैं, भगवान जाने। अच्छी बात है, अरे आए कमिंग सून, तो कब से हो रहे हैं वो? मतलब मैं जब से देख रहा हूं, मैं तो मुझे जब से संगठन ने जिम्मेदारी, तब से मैं तो रोज देखता हूँ, रोज कमिंग सून, रोज कमिंग सून। अरे आ जाओ, जवान है तब। अब कमलनाथ जी किस पर गोली मार रहे हैं पहले तो ये स्पष्ट कर दें, और काय के लिए ऐसे मारधाड़ रहस्य रोमांच के वो जारी करवा रहे हैं? सेवा के भी जारी कराओ एक हाथ की, कोविड काल में कहीं सेवा करते आप दिखो, ऐसे नहीं जा रहे तो ऐसे ही दिखा दो। साउथ की मूवी KGF चैप्टर 2 के अभी रिलीज में समय है।
लेकिन इसकी एंट्री मध्य प्रदेश में जरूर हो गई है। मूवी के ट्रेलर से मिलता जुलता एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। वीडियो मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के चुनाव से जुड़ा हुआ है। वीडियो में कमलनाथ की एंट्री हीरो की तरह होती है, जो गोलियां दागते हुए मध्य प्रदेश से जंगल राज खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश में फिर से आने की ओर इशारा कर रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी पूरा एक साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से चुनावी मूड में आ गई है। ऐसे में कमलनाथ का ये वायरल वीडियो प्रदेश राजनीति में खूब वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो पर सियासी तकरार। इसी मुद्दे पर ज्यादा बहस के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से राकेश शर्मा जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में, विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे राजधानी से वरिष्ठ पत्रकार के सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सक्सेना साहब। राकेश जी, वायरल वीडियो पर सियासी हलचल और यहां पर जो है कहा गया है कि शिवराज के जंगल राज में छुटकारा दिलाने के लिए आ रहे हैं कमलनाथ, क्या कहेंगे? बड़ी बात कह दी है इस वायरल वीडियो के माध्यम से। अरुण जी, मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि कोई इस तरह के जो वीडियो आते हैं तो पार्टियां, सियासी पार्टी जो रहती है उसको स्वीकार नहीं करती कि हमारे द्वारा जारी किया गया है या हमारे द्वारा बनाया गया जी। पर जिस तरह से माननीय के मिश्रा जी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको प्रमोट कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसको लेके आई है, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अरुण जी, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अभी दो विपदा, एक अभी चल रही है और एक आज आई थी कुछ दिन पहले। जिस तरह से मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी, किसानों के फसल खराब हो गई जी। मुझे कहीं पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में, चैनलों में कहीं कमलनाथ जी का एक फोटो ऐसा नजर नहीं आया कि किसी खेत में जाके वो खड़े हैं, मजदूर या किसान के आंसू पोंछ रहे हैं जी। कहीं ऐसा नजर नहीं आया। उसके बाद कोरोना काल लगातार चल रहा है, बिल्कुल कोरोना काल में कोई सेवा करते हुए कमलनाथ जी का वीडियो आया हो या कुछ ऐसा कोई फोटो मुझे नजर नहीं आया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आप मध्य प्रदेश में हिंसा फैलाना चाहते हैं? आप पुलिस की गाड़ियां उड़ा रहे हैं, वो पुलिस जो मध्य प्रदेश में व्यवस्था बनाने का प्रयास करती है, पूरी मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था जिसके हाथ में। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा माननीय कमलनाथ जी से। माननीय कमलनाथ जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, आप मेरे निवेदन पे एक बार छतरपुर जाइए, वहां पर एक युवा SP हैं सचिन शर्मा जी, उनने जहां वहां जो काम किया है, उनने जो बुजुर्ग कोरोना काल में बुजुर्ग लोग थे जिनके घर में कोई सेवा करने वाला नहीं थे, उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी दवाइयों की व्यवस्था की, जिसकी तारीफ अन्ना हजारे साहब ने की थी जी। उसके बाद अभी वहां पे जो अस्पताल बनाया, उस अस्पताल को जाके देखें कमलनाथ जी, वो इतना अच्छा अस्पताल है कि प्राइवेट अस्पताल उसके सामने फेल हो जाएंगे। फिर उनने अभी एक नई, सचिन शर्मा जी ने एक नई परंपरा शुरू की, जो मवेशी रहती हैं, जो सड़कों पर बैठी रहती हैं, उनको कपड़े पहनाना, उनको कंबल उड़ाना, जिससे उनको भी ठंड ना लगे। तो आप कम से कम जिस पुलिस की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी गाड़ी उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार छतरपुर में जाके ये व्यवस्था देखना चाहिए। मेरा एक और निवेदन है, छोटा सा अरुण जी, राजनीति करने के लिए बहुत मैदान पड़ा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी वो गांधीवादी विचारधारा थी, जहां हिंसा का कोई लेना देना नहीं था। पर आप देखिए कि कुछ दिन पहले एक नारा जारी हुआ, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और दूसरा अब ये कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष होकर गोलियां चला रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या गांधी जी को छोड़ दिया है या गांधी जी की विचारधारा को छोड़ दिया है? ये यक्ष प्रश्न आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने खड़ा है, जो जनता सवाल कर रही है, जिसका जवाब कांग्रेस के नेता नहीं दे रहे। बिल्कुल, बात कर लेते हैं फिरोज सिद्दीकी साहब, प्रदेश प्रवक्ता हमारे। फिरोज जी, गांधीवादी विचारधारा से विमुख हो गई है कांग्रेस, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के राकेश शर्मा जी का, क्या कहेंगे? बड़ा अफसोस की बात है जी कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक वायरल वीडियो पे पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी, वो बयान दे रहे हैं जी। मतलब कितनी घबराहट है भारतीय जनता पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बौखला गई है, तो ये तो जनता का वायरल किया हुआ वीडियो है। कांग्रेस ने तो किसी भी प्लेटफॉर्म से जारी नहीं किया,
आप बता दीजिए, हमारा आईटी सेल इसको जारी करता अगर होता तो, फिरोज जी, लेकिन विरोध भी अभी तक सामने नहीं आया है जी, अभी तक उसके बारे में कोई विरोध भी सामने नहीं आया है कि ये हमने नहीं किया है। देखिए, हम तो कह ही रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कांग्रेस का कि हमने नहीं किया, ये कोई हमारा है ही नहीं मिश्रा जी की। मैं कह तो रहा हूँ आपको, चलिए एक बाइट यहाँ बाइट सुन लेते हैं फिरोज जी, के के मिश्रा जी प्रवक्ता है, वो क्या कह रहे हैं। के मिश्रा साहब बाइट दे रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। चलो चलिए, कहीं बताते हैं, अभी सुनाते हैं, लेकिन वो वहां उनकी बाइट में कह रहे हैं कि ये जो है हमने किया है, तो ऐसे में फिलहाल जो प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। नहीं, ये हाँ, उन्होंने क्या कहा ये मैं तो नहीं सुन पाया था। हाँ, मैं सुनवाता हूँ आपको। लेकिन आपको देखिए, सर नरेंद्र सलूजा जी की बाइट है, सभी लोगों की बाइट है, इसमें कहीं कांग्रेस को ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहीं जारी नहीं हुआ। आप बता दीजिए, हुआ हो तो हमारी आईटी सेल ने इसको जारी किया हो, किसी कांग्रेस के। चलिए चलिए, इस पे अपन अभी 2 मिनट में आते हैं फिरोज जी। ये आरोप जो है कि गांधीवादी विचारधारा से विमुख हो गई है कांग्रेस, क्या कहेंगे अभी, अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म से जारी नहीं किया गया है ये वीडियो, पहली बात। दूसरी बात, ये वीडियो जनता ने बनाया है, और जनता ने बनाया है और हकीकत चीजें दिखाई है कि विपक्ष के नेता के रूप में कमलनाथ जी किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, और जो मुद्दे सामने मुंह बाए खड़े हैं। आज जो प्रदेश जो है कुपोषण में अव्वल है, स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे नीचे चला गया प्रदेश, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि आखिरी से तीसरे नंबर का ये प्रदेश प्रदेश में है। आप बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश में, वो एक कहां से आंकड़ा लाए 5,26,000 का, मुझे तो अभी तक कोई नहीं टकराया जिसको नौकरी मिल गई हो 5,26,000 में से। तो ये जो स्थितियां हैं वो कमलनाथ जी दिखा, वो जनता ने बना के और उसको वायरल किया है कि वो किस तरीके से इसको भस्म करने जा रहे हैं कमलनाथ जी, और आने वाले ये भी दिखा रहे हैं कि लोग जो है आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं उनकी ओर, और वो वापसी करने वाले हैं मध्य प्रदेश में, ये भी जनता जो है इस बात को वायरल कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताए कि वो बिना हमारे ऑफिशियल किसी ट्विटर हैंडल के, किसी सोशल मीडिया के, उस पर वो बयानबाजी कर क्यों रहे हैं। और जो नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि वो एक सेवा की चीज बताएं जो कोरोना काल में किया, मैं नरोत्तम मिश्रा जी से कहता हूँ, 837 रेमडेसिविर चोरी हुए मध्य प्रदेश में या भोपाल में, आपकी पुलिस और खुद गृह मंत्री इसको ढूंढ नहीं पाए, तो क्या आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। सैकड़ों लोगों की जान बचती अगर वो रेमडेसिविर जो थे वो लोगों को मिल जाते। चलिए, कितने लोगों की। राकेश जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। राकेश जी देखिए, फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस के बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं जी, मैं फिरोज सिद्दीकी जी की मजबूरी को समझता हूँ जी। मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब नहीं मिला कि गांधी की विचारधारा से क्या कांग्रेस अलग हो गई जी, और ये कह रहे हैं कि जनता ने वीडियो जारी कर दिया। एक मिनट सर, मेरा निवेदन है, बोल लेने दीजिए, एक एक करके बोलेंगे अपन अपनी एक दूसरे की बात सुन पाएंगे। मेरा एक निवेदन है, सुनिए तो फिरोज जी, आप कह रहे हैं जनता ने जारी बोल लीजिए, तो ये जो हिंसा फैल रही है और जिस तरह का वीडियो बनाया, आप इसका समर्थन कर रहे हैं क्या? और कल कोई अश्लील वीडियो अगर कमलनाथ जी का इस तरह बना के जनता डाल देगी तो आप उसको भी यही कहेंगे कि जनता ने डाल दिया? तुरंत कांग्रेस पार्टी को उस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहिए जिसने बिना कमलनाथ जी की अनुमति और बिना कांग्रेस के पूछे इस तरह का वीडियो डाल दिया। पुलिस की गाड़ी उड़ रही है उसमें, और आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। पुलिस की गाड़ी जो पुलिस आपकी सुरक्षा कर रही है, कमलनाथ जी के साथ में जो चलती है ना सुरक्षा व्यवस्था, वो पुलिस के ही जवान है जो अपनी जान को खतरे में डाल के आपके लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, और आप उनकी गाड़ियां उड़ा रहे हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं क्या पूरी मध्य प्रदेश की जनता को कि कल से आप पत्थर उठाइए और व्यवस्था के खिलाफ पत्थर फेंकना शुरू कर दीजिए? मेरा एक निवेदन है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं जारी किया, पर कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही है। मेरा ये प्रश्न है, मैं बार बार कह रहा हूं कि गांधी जी की जो अहिंसा की विचारधारा है वो कहां इस वीडियो में नजर आ रही है? आप करिए ना आंदोलन, आप जनता के बीच जाइए, आप जनता के बीच खड़े होइए। अभी ओला पाला पड़ा, उसमें कहीं कहीं नजर आए क्या आप? जहां होना चाहिए आप वहां नजर नहीं आ रहे।
मुझे दिक्कत यह है कि एक वो मसाले के एड में एक दादा को दिखाया जाता था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ था, उस तरह से कमलनाथ व्यवहार कर रहे हैं क्या? पूरी कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष भी कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ, बीडीओ भी बनेंगे तो कमलनाथ, और आप कहते हैं जनता? अरे 15 माह की सरकार थी, उसके बाद चुनाव हुए थे भाई साहब, और इसी जनता ने आपको नकारा है, नहीं तो 28 स्थानों पर आप जीत जाते, दोबारा सरकार बन जाती। इसलिए जनता की आड़ मत लीजिए। और मेरा एक प्रश्न है कि कल कोई कमलनाथ जी का अश्लील वीडियो बना के डालेगा तब कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए अब आप इनकी बात सुनिए, ये क्या कह रहे हैं जी, इनको मुद्दे नहीं देख रहे, मालूम अहंकार का चश्मा इतना बड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी का कि इनको लोगों की बेरोजगारी नहीं दिखती, लोगों की बाल अपराध नहीं दिखते, महिलाओं के बढ़ते अत्याचार नहीं दिखते, चरमराती स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दिखती जी। तो बंधु भैया जिसकी जैसी हमें इसमें यह दिख रहा है कि किस तरीके से इन सब चीजों को भस्म करना है। लड़की हूं लड़ सकती हूं, अब ये लड़ने को जो लड़की है अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, उस लड़ने को भी ये कह रहे हैं कि वो तो अहिंसा है। तो मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास किसी चीज का जवाब नहीं है। आ जाती पूरी सरकार और दिखाती अपना रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने, ये देखो हमने इतने रोजगार दिए, ये देखो हमारी ये स्थिति है, नीति आयोग रोज धूल निकालता है इस सरकार की, लोग रोज जहां मुख्यमंत्री जाते हैं वहां लोग चिल्लाते हैं कि साहब हमको मुआवजा नहीं मिला, हमारे बिजली के बिल आ रहे हैं, कोरोना काल में जो माफ किए थे वो दोबारा आ रहे हैं, बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। सागर में एक महिला खड़ी, विषय पे चर्चा नहीं हो रही है, आप साहब बाकी सब बोले, सब बोलिए, विषय पे चर्चा करो भाई, खोजना वही विषय पे कर रहा नहीं, नहीं ये नहीं विषय पे चल रहा है। आप वीडियो का समर्थन करते हैं इसका मतलब ठीक है, गांधी जी की विचारधारा को छोड़ दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी पार्टी है, आपकी विचारधारा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सबको दिख रही है बंधु भाई, पुलिस की गाड़ियां उड़ती थी, सबको दिख रही है। हमारे सर, हमारे प्रदेश के राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार सक्सेना जी, विनोद जी, चलिए बिल्कुल बिल्कुल नारे पे आते हैं, जब लोगों को राशन नहीं मिल रहा, जहां मुख्यमंत्री जाते समस्याओं का, चलिए बिल्कुल निश्चित रूप से समस्याओं का हमारे बात कर लेते हैं, कानून व्यवस्था को लेके। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं के सक्सेना जी। सक्सेना साहब, दोनों मित्रों को आपने सुना, जहां एक और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी नहीं किया गया है, हम इसको नहीं मानते, वहीं कांग्रेस के ऊपर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मित्र बराबर कह रहे हैं कि क्या इन्होंने गांधीवादी विचारधारा से त्याग पत्र दे दिया है या विमुख हो गए, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए जी, सियासी बयानबाजी कुछ भी हो सकती है जी, अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते ही बिल्कुल और लगाते रहे हैं और लगाएंगे आगे भी जी। ये जो वीडियो वायरल हुआ है जी, इस वीडियो के बारे में मेरा सोचना ये है कि अगर ये वीडियो वाकई किसी ऑथेंटिक आदमी ने, किसी ने ऐसे ने डाला है, तो उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए जिसने ये गलत किया है जी। क्योंकि जिस तरह से गोलियां चलाते हुए कमलनाथ जी दिख रहे हैं वो बड़ा अशोभनीय है जी, और वो मध्य प्रदेश की क्या भारत की राजनीति में कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। और जहां तक गांधीवादी विचारधारा की बात है, ये देश गांधीवादी विचारधारा का था है और हमेशा रहेगा। पार्टियां भले सा कुछ बीजेपी कभी कभी गांधी जी की विचारधारा के कुछ लोग कहते हैं, ऐसे कमेंट कर देते हैं गांधी जी पर जी, जो मतलब बिल्कुल स्वीकार ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी करते हैं, तो लेकिन जनता उस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। गांधी गांधी थे, उनकी विचारधारा सदैव रहेगी और हमेशा रहेगी। तो इस तरह की जो वीडियो है, ये तो मुझे लगता है कि ये 2023 में होने वाले जो चुनाव है उसका आगाज है जी। अब इस तरह से जिस तरह से ये शुरुआत हुई है जी, ये शुरुआत मुझे नहीं लगता कि कोई कहते हैं सकारात्मक निर्णय लाएगी जी। सकारात्मक निर्णय जब होगा जी, जब कांग्रेस और बीजेपी जी उन सवालों के जवाब दें जो जनता के सामने आज खड़े हुए हैं जी। मैं कमलनाथ जी से और कांग्रेस से पूछना चाहूंगा जी कि सोशल मीडिया पर तो आप ये इतनी तेजी से प्रकट हुए हैं जी, क्या आप जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं जनता की सेवा के लिए? ये बात बता पाएंगे आप उनको, जनता को समझा पाएंगे जी कि हमने जो काम किया है वो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? ठीक है, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो उपलब्धियां आपकी थी, आपके अगले चुनाव में उनको हथियार के रूप में उपयोग कर पाएंगे?
आप जो कहते हैं कि हमने 17 महीने के 15 महीने के कार्यकाल में ये किया वो किया, क्या किया जनता तक पहुंचा पाए आप? जी शिवराज सिंह जी जब से सरकार में आए हैं जी, वो अपना काम बराबर कर रहे हैं, आप कहीं सब जमीन पे दिखे क्या? आपने जमीन पर जाने का काम नहीं किया। चलिए तीसरा सवाल मेरा कमलनाथ जी से और कांग्रेस सरकार से है कि कांग्रेस ने चुनाव के पहले पिछले विधानसभा मैं आ रहा हूं फिरोज जी आपके पास आ रहा पिछले विधानसभा चुनाव के पहले करीब 150-200 घोटालों की एक लिस्ट पत्रकारों को पत्रकार वार्ता में दी थी और सत्ता में आने के बाद उनमें से कितने घोटालों पर बात हुई? इवन कमलनाथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कह दिया कि हम बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। चलिए अरे भाई घोटालों की बात है तो बदले की कार्रवाई क्या, उन पर कार्रवाई करना चाहिए थी। चलिए जनता तो देख रही है। बिल्कुल इसी तरह मेरे शिवराज सिंह जी से है कि मध्य प्रदेश सवाल है कि मध्य प्रदेश में जो कर्ज में डूबती हुई सरकार है इसको उबारने के क्या उपाय हैं? क्या यह उपाय है कि 34 नई पदस्थापनाएं आपने कर दी जो मध्य प्रदेश सरकार पे एक बोझ बनेंगी? आप दूसरा सवाल है कि बेरोजगारी, बढ़ते हुए दाम और ये जो सब समस्याएं हमारे सामने हैं और ये कोरोना की जो सबसे बड़ी समस्या है इससे निपटने का आपका क्या प्लान है? बिल्कुल तो ये सवाल है जो मुख्य हैं। वीडियो के वायरल और ये सब बातें तो अलग चीज है, मुख्य मुद्दों पे इनको बात करना चाहिए और सामने आना चाहिए। चलिए सक्सेना साहब, फिरोज जी आपके पास आता हूँ, 3 सवाल आपसे, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो कमलनाथ जी के मार्फत जानना चाहें, आपके मार्फत कमलनाथ जी से क्या कहेंगे, तीनों प्रश्नों पर संक्षिप्त उत्तर देंगे। आप देखिए जी जी, किसान आंदोलन को लेके, किसानों की समस्या को लेके यूथ कांग्रेस ने एक एक विधानसभा में पदयात्राएं की, लगातार निरंतर हम पदयात्राएं कर रहे हैं। जन जागरण पदयात्रा जो है लोगों के घर घर तक पहुंच रही है और चल रही है अभी भी, कोरोना की वजह से थोड़ा सा ढीला हुआ, थोड़ा सा काम मद्दा हुआ है हमारा। बिल्कुल तीसरी चीज घोटालों की बात करो, 179 मामलों में हमने व्यापम में जो है 1200 एप्लीकेशन पेंडिंग थी, शिकायतें 179 मामलों में FIR दर्ज कराई। कुठियाला को किसने जेल से बचाया ये आपको पता है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का। ये देखिए जो नर्मदा नदी के पौधारोपण का घोटाला था उसकी जांच चल रही है। बिल्कुल आप इसके चौथा नंबर, हमारे सिंहस्थ में 700 रुपए के मटके खरीदे हैं, मतलब हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदुत्ववादी लोगों ने 700 रुपए का मटका खरीदा है, उस मटके वो भी किसकी दुकान से, मिस्त्री की दुकान से, उसकी फाइल नहीं मिल रही थी, फाइल ढूंढवा के हमने उसको जारी करवाया। ऐसी करके हमने एक दर्जन से ज्यादा शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कराई थी। ई टेंडरिंग में एक मंत्री के 2 OSD गए नहीं गए अंदर, और जो वो मंत्री जी भी अभी अपनी लाइन में लगे, कटवा ले FIR, वो तो गृह मंत्री है ना, कटवा के देख ले वो FIR। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन कमलनाथ जी ने जो बात कही थी, पत्रकारों की तरफ से सवाल आया था कुछ, तो उन्होंने ये कहा था, मैंने कोई अकेले बदले की राजनीति के लिए थोड़ी मुख्यमंत्री बना था मैं, मेरा काम एक ही है कि सुबह से लेकर शाम तक घोटालों में ही लग जाऊं मैं। चलिए तो ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं हो रहा, लेकिन अब आज अरुण भाई आपके ऊपर एक आपको एक दायित्व है कि अब आप मुख्यमंत्री जी से ये सवाल करिए कि साहब ये जो इतने घोटालों की जांच चल रही है ये आपकी सरकार क्यों नहीं करवा पाई है? बिल्कुल उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, अपन जान लेते हैं, राकेश जी बैठे हैं। राकेश जी, अरुण जी, मैं तो मेरे विद्वान साथी से एक प्रश्न करूंगा जिसका जवाब मुझे मिल जाए। कांग्रेस में ये कह रहे हैं इतने घोटाले हुए थे, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, किस पे हुई, ये गिना नहीं पा रहे, फाइल निकाल के रख दी सामने, ये कह रहे हैं 15 माह की सरकार। अरे आप बोले प्लीज प्लीज, आप बहुत विद्वान है सर, सर मुझे बोलने दीजिए, मैं आपकी बात बहुत शांति से सुनता हूँ, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए, आज आपका दिन है, आप बोलिए। चलिए एक लाइन बोले, इनके मंत्री के 2 OSD जेल गए या नहीं गए आप पता कर लीजिए, कितने दिन बंद रहे और आपको वापस जवाब आए तो अब आगे क्या जवाब ले लेते हैं, बारी बारी से सुन लेते हैं, एक बार सुन लीजिए राकेश जी को। जी राकेश जी, देखिए मैंने कहा कि मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी मेरी बातों के जवाब नहीं दे रहे। जी मैंने जो कार्यक्रम का विषय था उस पर पूछा कि गांधी जी की विचारधारा को छोड़ के हिंसा की विचारधारा कांग्रेस ने अपना ली, उसका जवाब नहीं मिला। अब मैं एक और पूछना चाहूंगा, हनी ट्रैप, यहाँ मेरे विद्वान साथी बैठे हैं माननीय के सक्सेना साहब, हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में इनका नाम होता है, हनी ट्रैप विषय आया कांग्रेस के समय में, उसमें तीन तीन जो जांच कमेटी के प्रमुख थे SIT के चीफ बदल दिए गए कांग्रेस के समय। भैया ऐसा क्या दिख रहा था आपको कि एक चीफ बदला, फिर दूसरा बदला, फिर तीन बदला, और क्या हुआ उसमें बता दीजिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने कहा था कि 10 दिन में हमने
किसान का कर्ज माफ करने का वादा किया था और 10 दिन में हम माफ नहीं कर पाए, या तो लक्ष्मण सिंह जी पे कार्रवाई कर देते जी, आपकी पदाधिकारी थे, आपके विधायक थे। फिर उसके बाद उमंग सिंगार कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री थे जिनने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, उनने कहा था कि दिग्विजय सिंह शराब माफिया है, खनन माफिया है, उमंग सिंगार पे कार्रवाई कर देते या दिग्विजय सिंह जी पे। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगता है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जब नैना साहनी को तंदूर में कांग्रेस के नेता जलाते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए कौन लड़ा था जरा बता दीजिए, कांग्रेस का कोई नेता सामने आया था? भवरी देवी को जब भट्टी में जला दिया गया था ईंट की, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कौन से कांग्रेस के नेता ने लड़ाई लड़ ली थी? और जब कर्नाटक में कांग्रेस का विधायक कहता है कि अगर महिला के साथ अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसके मजे लेना चाहिए, उस विधायक को आज तक पार्टी ने बाहर निकाला क्या? मैं जरा सुनने के लिए तरसता हूं। उसके बाद अभी चंद दिन पहले राजस्थान में एक मूक बधिर बच्ची के साथ घटना करके उसको पुल से नीचे फेंक दिया गया, क्या हुआ भैया? कौन लड़ने पहुंच रहा है और क्यों नहीं पहुंच रहा है लड़ने के लिए? जब जब चुनाव आते हैं स्लोगन छोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। जिस दिन से यह देश आजाद हुआ कांग्रेस ने कहा हम गरीबी हटाएंगे, वो नारा नहीं चला। उसके बाद उत्तर प्रदेश में दिया है लड़कों का संग पसंद है, अब वो छोड़ के बाड़नेर चले गए, ऐसे प्रियंका वाड्रा कहाँ जाएगी आगे वो बता दीजिए। आप चुनाव में नारे दीजिए, आप किसके लिए क्या कर रहे हैं बताइए ना, यहाँ बैठ के क्यों नहीं? आपकी सरकार के 15 माह में ऐसे क्या पाप हुए थे कि जनता ने 28 स्थानों पे आपको नहीं जिताया? आप यहाँ प्रश्न करने की तो बड़ी बात करते, आपको नजर नहीं आया था फिरोज जी अभी 5,000 पुलिस की भर्ती हुई है, 5,000 जवानों की उसके बाद शिक्षा विभाग जवाब सुन लीजिए, चिल्लाने लगते कौन सी भर्ती हो गई कहाँ हो गई, और अभी हर महीने 1,00,000 युवाओं की भर्ती होगी। हम आप जैसे नारे नहीं देते, हम काम करके बताते हैं, काम करके काम करके देते। जरा कर्नाटक के विधायक के बारे में क्या कार्रवाई है कर्नाटक, तो राकेश जी मजे नहीं राकेश जी आपकी बात का, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं फिरोज जी, सुन लीजिए आप चुपचाप सुन रहे हो और चलिए फिरोज जी मैं बराबर टोक रहा हूँ, गलत बात है ये जारी करिए, गलत बात है ये, बिल्कुल बिल्कुल आप ही को बोल रहा हूँ कि सुन लीजिए, बोले फिरोज जी बोले आप। हाँ मैं ये कह रहा हूँ अरुण भाई, ये आप ठीक डिबेट नहीं करा रहे, ये के सक्सेना जी ने ये सवाल किए थे क्या? नहीं ये नहीं किए थे बिल्कुल, लेकिन आप जवाब तो दे दीजिए आप। नहीं हम तो जवाब दे ही रहे हैं, हम ही तो जवाब दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने आपको दे रहा हूँ। आपसे आपसे राकेश जी आपसे आप अपनी बात कीजिए ना, राकेश जी आपसे महात्मा गांधी की विचारधारा छोड़ दी क्या? बोल दो राकेश जी सवाल आपसे भी थे सक्सेना जी के, मैंने जवाब दिया ना, आप दोनों दिया और कोरोना काल की बात की जाए, ऐसा मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं होगा जो ऑक्सीजन की कमी हुई तो ड्राइवर से भी बात करता था और फैक्ट्री के मालिक से भी बात करता था, कितनी जगह पे हो गई? तुम्हारी राजस्थान सरकार लगातार सिर्फ आरोप लगाती थी और वो वैक्सीन कचरे पे ढेर में या मिट्टी के नीचे दबी हुई मिलती थी और वो कहते थे हमें वैक्सीन नहीं मिली, और आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेप अगर कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। एनसीआर की रिपोर्ट है, चलिए राजस्थान का मुझे बता दो विषय पे आते हैं, महाचंद्र दबी हुई मिली विषय पे आते हैं, पूरी दुनिया आप लोगों को देख रही है, पूरी दुनिया में आप लोग देखे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पूरा प्रोग्राम सब दूर जा रहा है। फिरोज जी जवाब दिया दे रहे हैं ये, आप बताएं कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, बिल्कुल अब आप जारी रखें ये सुनेंगे बिल्कुल। सवाल ये है, मैं आ रहा हूं सक्सेना साहब, किस मुद्दे पर बात हो रही थी, वायरल वीडियो ने कौन कौन से सवाल दिए? बिल्कुल वायरल वीडियो पे तो बोलो, ये जा रहा है वायरल वीडियो पे तो बोलो, चैनल का ये डिबेट इस पे डिपेंड है कि कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस क्या सुनना चाहती है। सक्सेना साहब आप बोल की डिबेट है वायरल वीडियो, चलिए आप इसका समर्थन करते हैं या खिलाफत में, राकेश जी अगर खिलाफत में तो कब थाने में रिपोर्ट डालेंगे ये बता दीजिए। चलिए राकेश जी बात कर लेते हैं, सक्सेना जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, हम तो गांधीवादी विचारधारा में और आप तो समर्थन करते हैं इस वीडियो का, समर्थन करते हैं इस वीडियो का, अब बात बोल चलिए ठीक है, चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं, जवाब की जरूरत ही नहीं है, आपने स्वीकार कर लिया, आपको ऐसी आप स्वीकार चलिए 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 बताइए फिरोज भाई क्या आपकी जानकारी को मैं सब बहुत राकेश जी साधुवाद राकेश जी इसको स्वीकार कर रहे हैं, विषय विषय को सुन ले जी सक्सेना साहब, मेरे दो सवाल कहते हैं भाजपा सरकार से, राज सिंह जी से भी थे जी, सिर्फ कांग्रेस के सवालों पर चर्चा हुई बिल्कुल, मैंने दो सवाल किए थे,
कि मध्य प्रदेश में कर्ज में डूबती सरकार जी के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? क्या ये प्लान है कि 34 नई नियुक्ति करके सरकार को और कर्ज में डुबाया जाए, खर्चे चलिए बिल्कुल, नंबर वन। नंबर दूसरा सवाल मेरा ये था जी कि बेरोजगारी, अपराध, बढ़ते हुए दाम, इस पे सरकार का क्या प्लान है? राकेश जी संक्षिप्त में दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो मैंने बेरोजगारी पे जवाब दिया कि हर माह 1,00,000 नियुक्तियां होंगी जी, और हर महीने नियुक्तियों के लिए हर जिले में कैंप लग रहे हैं। दूसरी बात, इनने कहा नियुक्तियां, मात्र 25 नियुक्ति हुई है निगम मंडल में जी। कांग्रेस सरकार जिस दिन जा रही थी ना जी, के सक्सेना साहब, उस रात में नियुक्ति करी है कांग्रेस सरकार ने, जब उसको अधिकार नहीं था, जब सबको मालूम था कि समय कम है राकेश जी। संक्षेप, दूसरी बात मेरा एक और कहना है जी, आज आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय का आपका राजनीतिक अनुभव है, आप बताइए निगम मंडल में जो राजनीतिक नियुक्तियां होती है उस पर कितना खर्च होता है? आज अगर वहां पे अगर कोई अधिकारी वहां पे काम कर रहा है लगातार, व्यवस्थाएं उतनी रहती है जितना एक आम कार्यकर्ता की जिसकी नियुक्ति हुई है। मेरा एक और बात कहना है, आज की बात की जा रही कर्ज में डूबी हुई, के सक्सेना साहब आप भी इस बात के गवाह थे कि कांग्रेस की सरकार थी वो आईफा अवार्ड करा रही थी। आज अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो आदिवासी जो बंधु है उसके घर तक अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो हम बेटियों को पढ़ाने पे उस पर खर्च कर रहे हैं। आज हम अगर कर्ज ले रहे हैं तो डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कर्ज लेना और उसकी अलग अलग परिभाषा, एक तरफ आईफा अवार्ड हो रहे थे, एक तरफ जनता की चिंता हो रही थी। निश्चित रूप से आईफा अवार्ड हो रहे थे, जनता की चिंता हो रही थी। दोनों मित्रों ने कहीं ना कहीं अपनी जगह अपनी अपनी पार्टी को स्टैंड किया। जहां एक और कांग्रेस इस वायरल वीडियो को अपना नहीं बता रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है आरोप पे आरोप लगा रही है कि निश्चित रूप से इस पे एक FIR होना चाहिए। खैर समय कम है, फिर किसी दिन किसी अन्य मुद्दे पे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।